और इस बीच रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का, और इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां 370 पर हुड्डा के बयान पर रामविलास शर्मा की तरफ से बयान दिया गया और उन्होंने कहा कि 370 पर हुड्डा के समर्थन से कांग्रेस को समझ जाना चाहिए, हुड्डा दो कश्तियों में सवारी के चक्कर में है। रामविलास शर्मा की तरफ से कहा गया, हुड्डा ने ठीक कहा कि कांग्रेस रास्ता भटक चुकी है, तो इन बातों का जिक्र किया गया। हुड्डा से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, ये रामविलास शर्मा ने कहा है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश गुप्ता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश जी, 370 पर हुड्डा के समर्थन से कांग्रेस को लेकर जो एक स्थिति बनी और जो बयान दिया गया, उसके बाद रामविलास शर्मा का इस पर प्रतिक्रिया। बिल्कुल, देखिए शुभेंदु, आप जानते हैं कि कल जिस तरह से रोहतक में रैली हुई और जिस तरह से चुनावी समर जो है पकने लगा है, और उसमें आप देख रहे हैं कि लगातार जो सत्ताधारी दल हो या दूसरे दल हो, लगे हैं अपने अपने एक्सरसाइज में। एक कल से पहले ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि हुड्डा कल कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं या अलग पार्टी की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन बावजूद उसके उन्होंने 370 की बात जो है की है अपने कल के भाषण में, और यहाँ तक कहा कि कांग्रेस भटक गई है। तो इस सब को लेकर जो है जो भाजपा है, क्योंकि ये समय जो ऐसा है, एक ऐसे में हर कोई एक दूसरे पर वार जो करता है, तो अब कल क्योंकि 370 हटाने पर जिस तरह से समर्थन हुड्डा ने किया और अपनी पार्टी को कोसा है, तो उस सबको लेकर जो है शर्मा ने जो सारी इस बात को लेकर कहा है कि किस तरह से जो कांग्रेस को सारी बात के लिए समझ जाना चाहिए, और साथ ही उन्होंने हुड्डा को भी लपेटा कि जो लोग हैं वो बहादुर लोगों को पसंद करते हैं, हुड्डा विचलित है और लोग उन्हें पसंद नहीं करेंगे। तो अब ऐसे में इसके साथ ही बीजेपी को क्योंकि एक अच्छा कांग्रेस पर वार करने का मौका मिल गया है, और रामविलास शर्मा ने यहाँ तक कहा कि हुड्डा जो है दो किश्तियों में सवार होना चाहते हैं, जिसके चलते फैसला नहीं ले पा रहे हैं, और बीच बीच में उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि ये सही बात है जो हुड्डा ने भी कही है कि कांग्रेस जो है अपने रास्ते से भटक गई है, और उन्होंने ये कहा कि भाजपा जो है 36 बिरादरी की पार्टी है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि हुड्डा से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा विधानसभा में जो है भाजपा जबरदस्त जीत दर्ज करेगी, लेकिन साफ तौर पर वे जो है हुड्डा से पल्ला झाड़ते नजर आए। हुड्डा से जब पूछा कि क्या भाजपा में किस तरह की कोई उनको लेकर बातचीत चल रही है, तो उन्होंने साफ तौर पर पल्ला झाड़ दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया राकेश जी इस पर जानकारी देने के लिए। तो चंडीगढ़ से खबर, 370 पर हुड्डा के समर्थन से कांग्रेस को समझ जाना चाहिए, आगे क्या उनका रुख होगा। हुड्डा दो कश्तियों में सवारी के चक्कर में है, रामविलास शर्मा की तरफ से ये कहा गया है।